नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल सके हमारे चैनल की। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which vitamin helps in blood clotting? Blood clotting में कौन सा विटामिन जो होता है वो हेल्प करता है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन के। With which country did India conducted the third edition of the bilateral joint exercise Alnaga 2019? Alnaga 2019 जो कि थर्ड bilateral joint exercise है, वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? तो हमारा आंसर होगा ओमान। Which is the longest railway tunnel in India? इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा पीर पंजल टनल, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। हु बिल्ट जामा मस्जिद एट दिल्ली? दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई है? तो हमारा आंसर होगा शाहजहां। विच किंग बिल्ट सांची स्तूपा लोकेटेड इन भोपाल? भोपाल में सांची स्तूपा जो है वो किस किंग ने बनवाई थी? तो हमारा आंसर होगा एम्परर अशोका। ऑर्निथोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ? ऑर्निथोलॉजी जो होती है उसको किस चीज की स्टडी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर होगा 14 दिसंबर। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी कैपिटल है कोहिमा? तो हमारा आंसर होगा नागालैंड। द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज? इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा आंसर होगा आर्गन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर। रेटिना इन द आई एक्ट एज आ? रेटिना जो होता है आंख में वो किसकी तरह एक्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा फिल्म इन द कैमरा। वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वुलर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की? तो हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया? कोल इंडिया जो है उसके न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो हमारा आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल। नेम द रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैविंग लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म? कौन सा रेलवे स्टेशन है इंडिया में जिसका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? तो हमारा आंसर होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान डू और डाई जो स्लोगन है वो किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहिब फाल्के अवार्ड? दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन। द 1 रुपी नोट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर? 1 रुपए का जो नोट इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में वो कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर होगा 1917। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ? नेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड बाय? 2022 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर होगा कतर। विच रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ येलुंग टसेंगपो? येलुंग टसेंगपो के नाम से कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जो बना है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। हु वॉज द फाउंडर ऑफ साक ईरा? साक ईरा जो था उसको फाउंड किसने करा था? तो हमारा आंसर होगा कनिष्क। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा विलियम हार्वे। द स्टडी ऑफ ग्रास इज नोन एज? स्टडी ऑफ ग्रास को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा एग्रोस्टोलॉजी। वॉट इज पीएच ऑफ लेमन जूस? लेमन जूस जो होता है उसका पीएच लेवल क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा 2 से लेकर 3।
who was conferred the Global Goalkeeper Award by the Bill and Melinda Gates Foundation in 2019. Bill और Melinda Gates Foundation जो है उसने Global Goalkeeper Award से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी. हरिसेन was the court poet of which king? हरिसेन जो था वो कौन से किंग का कोर्ट पोएट था? तो हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त. Who was the chief guest on Republic Day 2020? 2020 Republic Day जो हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो हमारा आंसर होगा जेयर बोल्सोनारो. Who is the new CGI of Supreme Court India? इंडिया के नए सुप्रीम कोर्ट CGI कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा शरद अरविंद बोबडे. इंडिया भूटान फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, इंडिया भूटान फाउंडेशन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 2003. विच सिटी इज कॉल्ड एज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, कौन सी सिटी को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा जमशेदपुर. बॉम्डी लापास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बॉम्डी लापास जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश. द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा कोचेज. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर होगा अबुजा. इंडियाज हाईएस्ट लेक टेसोलेमो इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर होगा सिक्किम. द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कम फ्रॉम द सन कॉज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सूरज से वो क्या कॉज करती हैं? तो हमारा आंसर होगा स्किन कैंसर. हु हैज बिकेम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा आरकेएस भटौरिया. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के नए यूनियन होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा अजय कुमार भल्ला. Who defeated Mughals in the Battle of Karnal? Battle of Karnal में Mughals को किसने हराया था? तो हमारा आंसर होगा नादिर शाह. Diplopia disease is related to which organ? Diplopia disease जो होती है वो किस organ से related होती है? तो हमारा आंसर होगा eyes. Which country is known as Land of Roses? Land of Roses के नाम से कौन सी country को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा Bulgaria. मीनाक्षी अमन टेम्पल इज इन विच स्टेट, मीनाक्षी अमन टेम्पल कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु. गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन द ईयर, गांधी इरविन पैक्ट कौन से ईयर में साइन हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1931. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा थाईलैंड. इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चंदीपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है चंदीपुर वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा. प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है? तो हमारा आंसर होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड, बैटल जो हुई थी हल्दीघाटी की वो कौन से दो रूलर्स के बीच में हुई थी? तो हमारा आंसर होगा अकबर एंड महाराणा प्रताप. बाय विच एक्ट सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, कौन से एक्ट से सिक्किम 22वीं स्टेट बनी थी इंडिया की? तो हमारा आंसर होगा 36th अमेंडमेंट एक्ट. Which city is also known as the wine capital of India? कौन सी सिटी को wine capital of India भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा नासिक. Who is known as the father of Indian railway? Father of Indian railway किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड डलाउजी. Who was the founder of the Indian Reform Association? Indian Reform Association के founder कौन है? तो हमारा आंसर होगा केशव चंद्र सेन. The famous India Gate in New Delhi was designed by, इंडिया गेट जो है न्यू दिल्ली में वो किसने डिजाइन कराया? तो हमारा आंसर होगा एडविन लुटियंस. हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 ओडीआई, पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने अपने 200 ओडीआई मैच कंप्लीट कर लिए हैं? तो हमारा आंसर होगा मिथाली राज.
Who among the following is known as the father of green revolution in India? Father of green revolution किसको कहा जाता है India में? तो हमारा answer होगा M.S. Swaminathan. Who was the only sultan of Delhi Sultanate who died in a battlefield? Delhi Sultanate के कौन से इकलौते सुल्तान हैं जो कि battlefield में मारे गए थे? तो हमारा answer होगा Ibrahim Lodhi. The famous Virupaksha temple is located in which state of India? फेमस विरूपक्ष टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक. पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द टू इंडियन स्टेट्स? पलक्कड़ गैप जो है वो कौन सी दो स्टेट्स को ज्वाइन करता है इंडिया की? तो हमारा आंसर होगा केरला एंड तमिलनाडु. रिसेंटली श्याम राम से पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस. श्याम राम से जो है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है वो किससे रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर होगा फिल्म मेकर. Who has been appointed as the new director of CBI? CBI के नए director कौन appoint हुए हैं? तो हमारा answer होगा ऋषि कुमार शुक्ला. त्रिशूल peak with a height of 7120 meter is located in which state? त्रिशूल peak जो है वो कौन सी state में है? तो हमारा answer होगा उत्तराखंड. Which city is known as the city of pulse? City of pulse के नाम से कौन सी city को जाना जाता है? तो हमारा answer होगा हैदराबाद. Which musical instrument उस्ताद बिस्मिल्ला खान used to play? उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो थे वो कौन सा instrument play करते थे? तो हमारा answer होगा शहनाई. तवा river is the tributary of which river? तवा river जो है वो कौन सी river की tributary है? तो हमारा answer होगा नर्मदा. The world's largest temple is located in which of the following country? दुनिया का सबसे बड़ा temple जो है वो कौन सी country में है? तो हमारा answer होगा कंबोडिया. The Department of Scientific and Industrial Research was set up in. Department of Scientific और Industrial Research जो था वो कौन से year में set up हुआ था? तो हमारा answer होगा 1985. Which city is known as Manchester of India? कौन सी city को Manchester of India भी कहा जाता है? तो हमारा answer होगा अहमदाबाद. Which gland is known as the third eye in the human body? कौन सी gland को third eye बोला जाता है human body में? तो हमारा answer होगा pineal gland. Which state is the largest producer of bamboo in India? बैम्बू की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी स्टेट है इंडिया की? तो हमारा आंसर होगा असम. HDFC in HDFC bank stands for. HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन. इन विच ईयर द चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस? चोरा चोरी इंसिडेंट जो था वो कौन से साल में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1922. द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 1997. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? इंडियन इंडस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा जमशेदजी टाटा. बेगुरुम्बा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? बेगुरुम्बा जो है वो कौन सी डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट की? तो हमारा आंसर होगा असम. विच एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट? कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा रौलेट एक्ट. वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? भारत की पहली सैटेलाइट का क्या नाम था? तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट. पानाजी इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? कौन सी स्टेट है जिसकी कैपिटल है पानाजी? तो हमारा आंसर होगा गोवा. इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय एस? ब्रिक्स में जो लास्ट वर्ड है एस उसका उससे कौन सी कंट्री डिनोट होती है? तो हमारा आंसर होगा साउथ अफ्रीका. होम्योपैथी वॉज इन्वेंटेड बाय? होम्योपैथी जो होती है उसकी इन्वेंशन किसने करी थी? तो हमारा आंसर होगा सैम्यूअल हैनमैन. इन विच कंट्री हैज अ शॉर्ट हैंड रिटन लेटर बाय महात्मा गांधी 80 ईयर्स अगो बीन अनरिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? महात्मा गांधी का लिखा हुआ हैंड रिटन लेटर 80 साल पुराना कौन सी कंट्री पे मिला है? तो हमारा आंसर होगा इजराइल. चमेरी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? चमेरी डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश. चकुला इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? चकुला जो है वो कौन सी स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश. द सुल्तान अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट?
सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर होगा हॉकी। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो होता है वो कौन सी तारीख को होता है? तो हमारा आंसर होगा 14 जून। द थेरी डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? थेरी डैम जो है वो कौन सी रिवर के अक्रॉस है? तो हमारा आंसर होगा भागीरथी रिवर। हैम्बर्ग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हैम्बर्ग एयरपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर होगा जर्मनी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया कंट्री की क्या करेंसी है? तो हमारा आंसर होगा रिंगिट। द विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो कौन सी सिटी में है? तो हमारा आंसर होगा नागपुर। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हु इज द करंट नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर ऑफ इंडिया? इंडिया के करंट नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर कौन है? तो हमारा आंसर होगा अजीत डोवाल। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज इन विच कंट्री? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर होगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी सिटी में है? तो हमारा आंसर होगा अमृतसर। द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा मैड्रिड स्पेन। व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड म्यूजिक डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 21 जून। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 10 अप्रैल। अमनप्रीत सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? अमनप्रीत सिंह जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर होगा शूटिंग। भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? भटनागर अवार्ड जो होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज लोकेटेड इन? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। लखोटा पैलेस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? लखोटा पैलेस जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा गुजरात। कीव इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कीव कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर होगा यूक्रेन। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 15 सितंबर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।